हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियंता मैथ्स। दोस्तों, अभियंता मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे टेक्निकल जॉब और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, क्लास 11th और 12th का मैथमेटिक्स का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, फिर भी डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आपका जो है अभी जो 20 दिन बचा हुआ है, उसमें आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। 12th का हर एक चैप्टर जो है, हम लोग 20 दिन के अंदर कंप्लीटली क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हम लोग कर लेंगे, है ना दोस्तों? तो बने रहिए। चलिए, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। कॉपी कलम निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है? प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, ठीक है? देखिए दोस्तों, काम की बात करेंगे, ज़्यादा हम लोग थ्योरी नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों? जितना ज़रूरत है उतना हम लोग देंगे। देखिए, पहला हेडिंग लगाइए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हम लोग इवेंट देखेंगे, ठीक है दोस्तों? किसी भी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दो चार कलर मैं ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का जो होता है, मान लीजिए कोई इवेंट ई है, ठीक है? लेट ई बी एनी इवेंट, देन ई कोई इवेंट है दोस्तों, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सुनिएगा ध्यान से, एक ही फार्मूला है इसका, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। देखिए, बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? बेसिक करते हुए इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इसको पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाई क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ केसेस। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस। इसी को कभी एम अपॉन एन भी लिख दिया जाता है, ठीक है दोस्तों? तो एक ही फार्मूला है, समझिए, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे में पूछा जाए कि एक डाई को थ्रो करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ठीक है? इसको एस लिखा जाता है। मान लो एक डाई को थ्रो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है दोस्तों? टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। एक डाई को आप थ्रो करिएगा, 6 तक जो है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें पूछ दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर पूछ दिया जाए, तो ऊपर में लिखेंगे प्राइम नंबर कितने हैं, ठीक है? प्राइम नंबर कितने हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा। प्राइम नंबर कौन कौन है, घेर रहा हूँ ग्रीन कलर से, 2 3 5, इस तरह 3 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 3, 1 2 3, ठीक है? प्राइम नंबर। और टोटल नंबर 6 हो गया, अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो 1/2 आ गया, ठीक है दोस्तों? इसी में सुन लीजिए, अब हर एक बात लिखी नहीं जाती है, कुछ समझी भी जाती है। प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कंपोजिट नंबर का, तब भी 1/2 होगा, ठीक है दोस्तों? क्या होगा? कंपोजिट नंबर का पूछेगा तो क्या होगा, देख लीजिए, आगे मैं बता रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर कौन है, ध्यान से देखिएगा। कंपोजिट
कंपोजिट नंबर है 4, देखिए स्क्वायर से अच्छे, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, 2, टोटल 6, 2 3 6, 1/3, ठीक है दोस्तों। तो कंपोजिट नंबर का 1/3, इवन नंबर पूछेगा तो 1/2 आएगा, ठीक है, ऑड नंबर भी पूछे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर वालों को कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक फार्मूला हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ केसेस, आगे होगी बात समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें को, इम्पोर्टेंट बात्स को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, नोट्स में देखिए, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक से एकदम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लीजिए कि निकालना है, देखिए फाई को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, तो 0 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, एस मतलब श्योर हो गया, ठीक है, 1 होता है। तीसरी बात हम लोग जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निकालेंगे ना हम लोग, तो 0 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है, ये रेंज है उसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी, ठीक है, और इसके बीच में। ओके गाइस, 0 किसका होगा, श्योर इवेंट का, अनश्योर, अनश्योर इवेंट का जो होगा 0 होगा, ठीक है, और श्योर इवेंट का क्या होगा, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, और अनश्योर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक और जरूरी बात हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट होने का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कोई इवेंट नहीं होने का, दोनों का सम 1 होता है, क्या होता है, दोनों का सम 1 होता है, ध्यान दीजिएगा, कोई इवेंट होने का, ये हैपन है, ठीक है, ये क्या हैपन, कोई इवेंट हो रहा है, ये नॉट हैपन का ये बार होता है, ठीक है, नॉट हैपन। चीजों को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके गाइस, एकदम बेसिक से इसको ध्यान में रखेंगे। एक बार और हम लोग रिकॉल करते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव, फाइव बोले तो इम्पॉसिबल इवेंट का 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उसके बीच का सारा वैल्यू, ये ना कि हम लोग किसी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढे और 1 से लेकर 2 3 4 5 6 इस तरह आ जाए, ठीक है, इसी के बीच में आना चाहिए। तो कोई इवेंट होने और कोई इवेंट नहीं होने का सम जो है 1 होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम लोग 2 फॉर्मूले निकालते हैं, देखिए यहां से हम लोग निकालेंगे, इधर मैं लिख रहा हूं, यहां समझिएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होने का, एक ये भी फार्मूला हो गया, ठीक है। हैपन का निकालना होगा तो 1 माइनस नॉट हैपन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, यानी नहीं का तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके गाइस, आई होप बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, इतना कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियरली समझिए, ठीक है ना, बेसिक से एकदम लेकर चल रहे हैं, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अब हम लोग कुछ और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्लियर हम लोग करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए 3 क्वाइंस आर टॉस्ड टुगेदर, आगे निकालना है आपको, फाइंड द, बात को सुनिएगा अगर कहीं क्लियरली नहीं दिखे तो, 3 क्वाइंस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। देखिए दोस्तों यही सवाल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए एकदम बेसिक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, किताबी भाषा में हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, अपना लॉजिक है, ठीक है। देखिए दोस्तों कह रहा है थ्री कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, तीन कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और समझिए, नहीं तो तीन अलग अलग कॉइन को आप टॉस करिए, नहीं तो तीन कॉइन, यहाँ पे कहने का मतलब क्लियरली कि तीन वो कॉइन को आप टॉस करिए, ठीक है। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी थ्री कॉइन्स आर टॉस, टॉस किया गया एक साथ, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, कितना हेड होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, ठीक है, कम से कम कितना हेड होना चाहिए, एक हेड। देखिए दोस्तों अब हम लोग कुछ इवेंट को देख रहे हैं, सॉल्यूशन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कितना है, तीन वो कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केस, ठीक है। तब पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ केस निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए थ्री कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, कितना कॉइन्स है, थ्री कॉइन्स, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ केस एट होगा, समझिए टू इंटू टू इंटू टू, एक दो तीन, ठीक है, हेड टेल इस तरह से मल्टीप्लाई करिए, एट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कौन कौन एट है, ठीक है। देखिए एस इक्वल टू लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ केस को, सैंपल स्पेस इसको बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए हम लोग लिख रहे हैं हेड हेड हेड, मान लो तीनों में हेड आ गया, ठीक है, फिर मान लीजिए कि तीनों में टेले टेल आ गया, ठीक है, किस्मत अच्छा है तब, फिर मान लीजिए हेड हेड तीसरा में टेल आ गया, आगे समझते हैं हम लोग, मान लो हेड आ गया टेल आ गया हेड, आठ होगा टोटल, ठीक है, पता है हम लोग, फिर भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, हेड टेल हेड हो गया, अब टेल हेड हेड, ठीक है, उसके बाद क्या बचा, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, अब क्या हो गया, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड और हेड टेल टेल, ठीक है दोस्तों। देखिए आठ हुआ कि नहीं गिन लेते हैं एक बार, एक हो गया, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एट हो गया टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट, थोड़ा लैंग्वेज भी ध्यान दीजिएगा, वन हेड, टू मार्क्स में आएगा तो इस तरह बनाना पड़ेगा, फार्मूला लिख लीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में क्या कह रहा है, एट लीस्ट वन हेड होना चाहिए, देखिए कहाँ कहाँ, कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा कितनों हेड हो सकता है, देखिए यहाँ कम से कम है ना तीन गो, इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है, आनी और फिर इसको कर लेंगे, कितना हो गया, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितना हो गया, सेवन हो गया, और टोटल कितना था, एट, यही ना टोटल एट था। इसको छोड़कर देखिए मैं कह रहा हूँ टेल टेल को छोड़कर सेवन बाई एट आंसर हो गया, आई होप क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। एट लीस्ट वन हेड इसी तरह कहता कि ओनली वन टेल, एट लीस्ट टू टेल, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करेगा तो टेल माने पहला क्वाइन में टेल आया, दूसरा में टेल आया, तीसरा हेड, तीनों का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, सेवन बाई एट इज द आंसर, ठीक है, जीरो वन के बीच में ही आ गया। ओके गाइस, अब हम लोग कुछ पॉसिबल इवेंट्स के बारे में देख लेंगे, ठीक है ना, जैसे अब तीन कॉइन को टॉस किए, कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है, टॉस किए तो ये आया, इसी तरह कुछ इवेंट देख लेते हैं ताकि उससे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। हाँ कॉपी पेन निकाल कर नोट्स करते रहिए।
अब हम लोग कुछ पॉसिबल इवेंट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। आवाज क्लियर है सब? तो लाइक शेयर भी क्या है करते रहिए, ठीक है। सम पॉसिबल इवेंट्स देखिए, पहला जो है ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोग दो क्वाइन को टॉस करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वाइन को टॉस करेंगे जबकि हेड टेल दो गो आएगा, वो बच्चा वाला। टू क्वाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाइन को टॉस किया जाता है। व्हेन टू क्वाइन टॉस, इफ टू क्वाइन टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना होगा, एस लिख रहे हैं उसको, ठीक है। देखिए दो क्वाइन, एक में दो होता है, टू इंटू टू फोर आएगा। आई फोर कौन कौन आएगा समझिए थोड़ा सा। हेड हेड हो गया, ठीक है, दोनों में हेड आ गया, दोनों में टेल आ गया, एक में हेड आया टेल आया, फिर क्या है टेल आया हेड आया, इस तरह से चार टोटल पॉसिबल केसेज हो गए हैं, ठीक है। दूसरा बात, हम लोग अब तीन क्वाइन को, इफ थ्री क्वाइंस आर टॉस्ट, यहाँ भी आर लगा लीजिए आप लोग, इफ थ्री क्वाइंस आर टॉस्ट देन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो जाएगा, दो इंटू दो इंटू दो बोले तो एट, अभी हम लोग लिखे थे, ठीक है ना। हेड 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 हो गया, हेड हेड टेल हो गया, टेल हेड हेड हो गया, इसी तरह लिखिए अपने से, है ना। इस तरह से आप अपने से लिख लीजिए, अभी लिखे थे हम 8, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, इफ वन डाई इज, डाई को हम लोग थ्रो करते हैं, देन वन डाई इज थ्रोन, DHROWN, ठीक है। जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना आएगा, वो 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग दो डाइस को थ्रो करेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। डाइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग दो डाइस को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, ठीक है। इफ टू डाइस आर थ्रोन देन टोटल नंबर ऑफ, देखिए केसेज कितना हो गया, तो देखो एक डाई में कितना होता है 6, तो दो डाई है 36 आएगा। अब कौन कौन आएगा देखिए, इसको लिखने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। पहला वन वन लिखिए, ठीक है, वन टू लिखो, वन थ्री एकदम जल्दी जल्दी, वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स, ठीक है, एक लाइन हो गई। फिर यहाँ से शुरू करिए, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, ऐसे नहीं छूटेगा एक भी नहीं, टू फाइव टू सिक्स, आगे बढ़ते जाइए, थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स, इससे सवाल रहता ही रहता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे लिखिए, फोर वन, उसी तरह फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स, आगे बढ़ते हैं, सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, ये टेक्निक है सब लिखने का, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, फट सोन लिख लीजिएगा एकदम जल्दी से, सिक्स सिक्स, ठीक है। इस तरह टोटल हम लोग 36 लिख लिए, ठीक है। शुरू किए वन वन से, वन वन, वन टू, वन थ्री, इस तरह सिक्स तक गए, टू वन, थ्री वन, फोर वन, ऐसे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम लोग कुछ पॉसिबल इवेंट्स देखे हैं, ठीक है। आज बेसिक लेक्चर था, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो को क्या है बार बार देखिए, ठीक है, आपकी पूरी तैयारी की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों।
अभी से 20 दिन एकदम मेरे मेरे साथ बने रहिए, आपका रिजल्ट जो है 90+ स्कोर आना श्योर है। लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग दूसरे लेक्चर में। और एक बात जरूरी है कि हर एक रोज जो है ना 3 से 4 वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, यानी एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा अगर आप अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, फिर भी आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू।